दिम्रांदश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों, मेरे प्रिय बहन भाइयों, श्रोतागणों, श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग समारोह आपका हार्दिक स्वागत करता है। सत्संग की महिमा अपार है। सभी शास्त्रों ने, सद महापुरुषों ने, संतों ने इस महिमा का गान किया है। सत्संग से ही परम सुख और परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। साधु संग साधु संग साधु संग कीजिए, लव मात्र साधु संग भव तर लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शब्द हैं कि जो साधना में रत है कोई भक्त भगवान का, उसका संग कीजिए, उसके संपर्क में आइए, सत्संग कीजिए। उस सत्संग से जो मक्खन निकलेगा वो भगवान का प्रेम होगा, भगवान की भक्ति होगी। उस प्रेम और भक्ति के अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके माध्यम से हम उस परमेश्वर को रिझा सकें, उस गोविंद को प्रसन्न कर सकें, ताकि वो हमें ये जन्म मरण जरा व्याधि के चक्र से, इस भव सागर के भंवर से बचा लें, हमें अपने पास बुला लें, हमें अपना बना लें। श्रीमद् भागवत गीता के पिछले सत्संग समारोह के अंदर जो कड़ी चल रही थी प्रवचन माला की, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांचवें अध्याय को अंतिम मोड़ देते हुए अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में ध्यान योग की फाउंडेशन की नींव रखी। इन दो श्लोकों से भगवान ने एक झलक दी ध्यानी लोगों के विषय में, क्योंकि सभी की रुचि एक जैसी नहीं होती। कोई व्यक्ति ध्यान करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, कोई व्यक्ति भजन करके, कीर्तन करके, ऊंचे स्वरों में आह्लादित होकर पुकारता है भगवान को, भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है कर्म योग में, कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, भगवान को रिझाता है, कोई व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा भगवान की ग्लोरिफिकेशंस, भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करता है, इस संसार की रचना को समझने की कोशिश करता है, अपने आप को भी और आध्यात्मिक जगत को भी जानने की कोशिश करता है, और इस प्रयास से ही, प्रयास के करने से ही उस प्रभु की अकारण अनुकंपा बरसती है जीव पर, कि उस जीव को सच्चे मार्ग का दर्शन हो जाता है। तो ये 27वें और 28वें श्लोक की व्याख्या की थी, लेकिन सूक्ष्म रूप से फिर आपको इसे दोहरा दूं, ताकि ये फाउंडेशन की ये नींव का पत्थर मजबूती से बैठ जाए, ताकि हम छठे अध्याय में जाके ध्यान योग के विषय में वार्तालाप कर सकें, सत्संग कर सकें।
भगवान कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर् भायांश चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनीर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। हे अर्जुन, जिस योगी पुरुष ने योगी का अर्थ बतलाया था, जो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, उनके दर्शन के लिए प्यासी है, उन्हें जानने की जिज्ञासु है, अपने आप को भी, जो सेल्फ रियलाइजेशन के प्यासे भक्त हैं, ध्यानी भक्त, उनको मन और बुद्धि के ऊपर अपना अधिकार प्रभुत्व जमाना चाहिए, यानी उनको अपनी बस में करना चाहिए, इंद्रियों को भी। अगर ये बस में नहीं होंगी तो ध्यान भला कैसे होगा? आपकी ज्ञानेंद्रियां और बाकी दसों इंद्रियां, कर्मेंद्रिय भी, ये सब वश में होनी चाहिए, अंकुश में होनी चाहिए। ये घोड़े इधर उधर नहीं दौड़नी चाहिए, वरना ये तो आपके जीवन रूपी रथ को कहीं भी खाई खड्डे में डाल करके ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, विनष्ट हो जाएगा जीवन। फिर मन है, बुद्धि है, इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मय्यर्पित मनोबुद्धि, अर्जुन ये मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दे, मेरी सेवा में लगा दे। यही सबसे सरल उपाय भगवान ने बतलाया कि यदि ये मन और बुद्धि और इंद्रिय सभी भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाएं, तो ऐसे मन बुद्धि और इंद्रियों को जीते हुए योगी के विषय में भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी सदैव मुक्त है, जिसने अपनी इच्छाओं पर भी अभिलाषाओं को बहा दिया है समुद्र में, कोई किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं संसार को भोगने की, किसी प्रकार का भय नहीं मृत्यु से भी, सिंह से भी, कोबरा से भी, क्यों भय होगा भगवान के भक्त को, जो भगवान के पथ में भगवान से मिलने चल दिया है, वो निर्भय हो जाता है, क्यों डरेगा? एक ज्ञानी भक्त, उसको ज्ञान होता है कि मेरी प्रभु की इच्छा के बिना, मेरे प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ये कोबरा और ये सिंह और ये मृत्यु, यदि उनका आदेश नहीं है तो मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। इतना दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, फेथ उसके हृदय में होता है, वो निर्भय होता है, निष्पाप होता है, किसी को भय नहीं देता, किसी को भयभीत नहीं करता, वो व्यक्ति निर्भय होता है। सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भगवान तो सभी भूत प्राणियों के हितकारक हैं, हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, सबका भला चाहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी भूत प्राणियों का सुहृद हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता हूं, सबको हंसते खिलते खेलते नहाते धोते खाते पीते देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने भरपूर मात्रा में जल अन्न दिए हैं, सुंदर वसुंधरा रहने को दी है।
किसका आनंद ले मेरे मेरे भक्त, मुझे न भुला करके। जो व्यक्ति मुझे, हे अर्जुन, जो मुझे सभी का मित्र समझ लेता है कि भगवान सभी के मित्र हैं, सभी का भला चाहते हैं, सुहृदं सर्व भूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो उसको वैकुंठ का, वैकुंठ की शांति मिल जाती है, इटर्नल पीस मिल जाता है। जो पीस बड़े बड़े संतों को मिलता है वही पीस मिल जाता है, इतना जानने से, इतना रियलाइज्ड करने से, किताबों के जानने से नहीं, उसका आपको अनुभव होना चाहिए। आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ में उसका अनुभव होना चाहिए, और श्रद्धा और अनुभव, रियलाइजेशन तभी होते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नियुक्त तो होता है। भगवान की सेवा में नियुक्त तो होने से ही श्रद्धा का अंकुर निकलता है, और जब श्रद्धा का अंकुर वृक्ष बनता है तो जब इसमें फूल लगते हैं, यही ज्ञान के फूल लगते हैं, और उन फूलों से जो खुशबू हवा में बिखरती है, फैलती है चार दसों दिशाओं में, वो खुशबू ही भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति है, वो प्रेममय सेवा है। तो श्रद्धा फाउंडेशन है, लेकिन श्रद्धा का जन्म तो कर्म सेवा बिना नहीं होता। कोई व्यक्ति सेवा में 1% भी आगे नहीं बढ़े और कहे कि मैं श्रद्धा है कि भगवान है, ये तो थोती श्रद्धा है। श्रद्धा प्रकट होती है भगवान की सेवा में नियुक्त भक्तों से, भक्तों के हृदय में। हे अर्जुन, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनीर मोक्ष परायण, जिन मुनियों ने, जिन भक्तों ने, जिन ध्यानी योगियों ने अपना लक्ष्य मोक्ष को बनाया है कि मुझे इस संसार के जन्म मरण जरा व्याधि के चक्र से छूटना है, उसको यतेन्द्रिय होना चाहिए, इंद्रियों पर उसकी विजय होनी चाहिए। सबसे पहले मन पर भी और बुद्धि पर भी। तो ये विजय कैसे हो, मन तो ठहरता ही नहीं। अर्जुन ने तो प्रश्न किया है आगे चल करके कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्नी वायोरिव सुदुष्करम। अरे अर्जुन, कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, जैसे एक बंदर चंचलता के साथ में वृक्षों पर उछलता कूदता है एक डाल से दूसरी डाल पर, यह तो उससे भी अधिक चंचल है। चंचलम ही, निश्चय ही, हे कृष्ण, ये मन चंचल है, इसको मैं स्थिर कैसे करूं ध्यान करने के लिए। चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथी बल भद्रम, ये तो बलपूर्वक मुझसे भाग भाग जाता है, बैठा अमेरिका में इंडिया में चला जाता है एक पल में, कभी कहां चला जाता है, कभी बियर बार में चला जाता है, कभी डिज्नीलैंड घूम के आ जाता है फ्लोरिडा में। ये तो बड़ा चंचल है और ये सत्य है। कहते हैं कि कोई ज्ञानी महापुरुष ने कहा है कि 24 घंटे में प्रत्येक मनुष्य के मन में कम से कम 2,00,000 विचार उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। 2,00,000 24 घंटे में। तो ये देख, आप प्रैक्टिकल देखिए इसको कि वास्तव में सत्य क्या, तो आप पाएंगे कि सारे दिन और रात सपने में भी विचारों की श्रृंखला बंद नहीं होती, चलती ही रहती है। तो कोई काउंट करे तो 2,00,000 हो ही जाएंगे।
बलपूर्वक ये मन मुझे प्रमाथी मंथन करता है, घूमता है चक्री की तरह, जैसे भूत चक्कर मारता है किसी पेड़ के, पीपल के, वृक्ष के, ऐसे ये चक्कर मारता है, घूमता है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, रिश्तेदारों का चक्कर लगाता है, भोगों का चक्कर लगाता है। इसके चक्र बंद ही नहीं होते कृष्ण। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी वलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्नी वायुरी सुदुष्कृतम दुष्कृतम। इसलिए हे कृष्ण, जैसे वेगवती वायु को रोक पाना दुष्कर है, कठिन है, ठीक वैसे ही इस मन को तो रोक पाना बड़ा मुश्किल है। इसको जीत लेना, इसको स्थिर करना, इसके भगवान के चरणों में स्थिर करना, ध्यान में स्थिर करना, अलर्ट अवेयर करना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने तो सत्य पूछा, ये प्रसंग सत्य है कि संसार में भटके हुए मनुष्य की, प्राणी की दशा तो ऐसी होती है, उसका मन तो चंचल ही होता है। जो जितने भोगों में उतरता है, जो जैस जितने वैभव के फल खाना चाहता है, संसार के फलों को खाना चाहता है, उसका मन उतना ही जंप मारता है, उतना ही उछलता कूदता है उन फलों को लेने के लिए। फल हाथ लगे तो और नहीं लगे तो बात दूसरी है। वो लोमड़ी को क्या अंगूर हाथ लगते ही थे, लेकिन वो उछलती थी बेचारी, बार 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 उछलती थी। फिर किसी खरगोश ने देखा तो कहा कि क्यों मौसी, छोड़ के कैसे जा रही हो, अंगूर है, खाती क्यों नहीं। तो आखिर लोमड़ी ने तो यही कहा कि आपको मालूम है कि क्या बताऊं बेटे, ये अंगूर खट्टे हैं, कौन खाएगा इनको, जाने दो। लेकिन वो तो खरगोश थोड़ी रोज उसको मिलता है, वो तो रोज आती है और जंप मारती है कि आज नहीं तो कल ये हाथ आ जाए, कल नहीं तो परसों आ जाए। अभी आसमान में लटके हुए अंगूर और लोमड़ी छोटी जंप तो मारती है, लेकिन अंगूर ऊपर है। ये अभिलाषाएं, इच्छाएं संसार को भोगने की, ये पूर्ण नहीं होती, किसी की पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन जंप तो मारते हैं। तो ये मन जंप मारता है, छलांगे भरता है कैंगरू की तरह, बड़ी बड़ी। तो फिर व्यक्ति कैसे इस मन को जीते, और बिना मन के जीते तो ध्यान नहीं होता। बिना मन के अंकुश लगाए कोई भी सत्कर्म नहीं होता। फिर ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो बड़ी सूक्ष्म गति है। इस ध्यान के विषय में छठे अध्याय में जो जो हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ध्यान की प्रक्रिया कितनी सतर्कता से करनी पड़ती है एक योगी को। तो ध्यान में उतरने से पहले भगवान फाउंडेशन का पत्थर डर रहे हैं ध्यान योगियों के लिए कि हे ध्यान योगियों, तुम्हारा मन और बुद्धि और इंद्रियां तुम्हारे वश में होनी चाहिए, इससे पहले तुम ध्यान में नहीं उतर सकते, सारा साधन व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले यतेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, फिर मन पर, फिर बुद्धि पर। यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मुनीर मोक्ष परायणा, तब जाके मोक्ष का, मुक्ति का लक्ष्य बनाओ। नीचे और भी तीन चीजें हैं, नीचे की पंक्ति में, विगते इच्छा भय क्रोधो,
तो आपकी सारी जो योगी मोक्ष का लक्ष्य बना करके और अपनी इंद्रियों को मन को और बुद्धि में कर लेता है या करने की प्रक्रिया जान ली है, कला सीख ली है, तब जाके उसकी इच्छा भी तमाम गिर जानी चाहिए, कोई अभिलाषा संसार को भोगने की नहीं हो, एकमात्र लक्ष्य उसका मोक्ष की ओर हो, तीर का निशाना ठीक मंजिल पर हो। भयभीत न हो, निर्भय हो। ये बड़ी सरल सी लगती है बात, लेकिन निर्भय होना तो आसान बात नहीं है। निर्भय होने के लिए हमको तमाम बुरे कार्य बंद करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी को हम भय नहीं दिखलाएं, चौड़ी आंख करके भी भयभीत न करें। किसी पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, किन्नर बन्नर, किसी को भी विगत इच्छा, भय क्रोध हो तो भय और क्रोध, भय निर्भयता को प्राप्त होना और क्रोध को भी जीत लेना। जिसने क्रोध को जीत लिया है, क्रोध नहीं आता, शांत भाव में रहता है, उसको क्रोध करने के लिए यदि करना ही पड़े किसी के भले के लिए, तो उसके लिए भी उसको बहुत यत्न करना पड़ता है। तब कहीं किसी के कल्याण के लिए कोई गुरु अपने शिष्य को फटकारे क्रोध में, तो उसको एक ड्रामा जैसा ही करना पड़ता है, अंदर से क्रोध आता ही नहीं उसको। क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली होती है। मुझे याद आता है बंबई में जुहू के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर है राधा रास बिहारी जी का, वहां पर गुरुजी हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बड़े शांत स्वभाव के। प्रारंभ में जब वो गुरुपद को ग्रहण करने लगे तो उनको नाम जो मिला था उनके गुरुजी से, वो श्रीपाद मिला था, उनका नाम दयापाद मिला था, उनको नाम दयापाद, क्योंकि दया के चरण ही उनका नाम। लेकिन कुछ बाद में, कुछ निर्णय निष्कर्ष में नाम थोड़ा सा बदलाव लाया, ये उनको जो टाइटल दिया गया दयापाद का, वो बदल के भगवतपाद बना, कि भगवान के चरण भगवतपाद। वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील भगवतपाद जी, मैंने प्रत्यक्ष में उनकी सेवा की है, उनके चरणों में रहा हूं, मुझे मालूम है वो कभी किसी अपने शिष्य पर नाराजगी दिखाना चाहें तो उनके चेहरे को देखो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत कोशिश करके नाराज होना चाहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजी जैसा भाव नहीं प्रकट होता था। ऐसा लगता था कि कोई अनट्रेंड पात्र, कोई ड्रामा का कलाकार ड्रामा कर रहा हो, जिसको पूर्ण रूप से ड्रामा करना भी नहीं आता हो, उनको पूर्ण रूप से ड्रामा में भी क्रोध करना नहीं आता। ऐसे वास्तव में वो गुरु महाराज हैं, आज भी हैं दयापाद, आज उनका नाम भगवतपाद है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवतपाद। तो गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए कभी गुस्सा दर्शाता है, लेकिन वो गुस्सा ऊपर ऊपर ही होता है, लहरों की तरह अंतस्थल में शांत भाव होते हैं एक भगवान के भक्त के अंदर। तो क्रोध को जीतना मोक्ष प्राप्ति करने वाले के लिए उपदेश है, और निर्भय होना, तो निर्भय तो तभी होंगे हम जब झूठ बोलना बंद करेंगे, किसी को सताना बंद करेंगे, किसी को भय दिखाना बंद करेंगे, यानी हमसे पेड़ पौधे भी भयभीत नहीं हो, पशु पक्षी भी हमसे नहीं डरते हो, जब हम किसी को निर्भयता का दान करते हैं
तब हम खुद निर्भय होते हैं, निर्भयता हमको घेरती है, हम निर्भय बनते हैं। जो जो भगवान का, भगवान की सत्ता का, भगवान की लीलाओं का, क्रियाकलापों का, कार्यों का तत्व से हमको ज्ञान प्रकट होता है, तब हम भयभीत नहीं होते, निर्भय होते हैं। तब हमको मालूम होता है कि बिना भगवान की इच्छा के व्यक्ति एक अन्न का दाना भी नहीं खा सकता, वृक्ष का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। भगवान की इच्छा के बिना आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। राखे कृष्णा मारे को, मारे कृष्णा राखे को। जिस भक्त की भगवान रक्षा करना चाहते हैं उसे तीनों लोकों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो भगवान की शरण लेना ध्यान योगी के लिए भी सुखदाई है, ज्ञान योगी के लिए भी, कर्म योगी के लिए भी, भक्त योगी के लिए भी, सभी मनुष्य प्राणी के लिए भगवान की उस परम सत्ता की, परमेश्वर की शरण ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना भला नहीं, इसके बिना सफलता नहीं, इसके बिना मोक्ष नहीं, निर्वाण नहीं, सिद्धि नहीं। एन केन प्राकारेण, उस प्रभु को प्रणाम करनी ही पड़ेगी, झुकना ही पड़ेगा उनके चरणों में, उनकी दासता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट हम उनके दास हैं। जब हम अपनी वास्तविक नेचर में, वास्तविक प्रकृति में, प्योर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं तो हम उनके दास हैं। हमको ये अनुभव है, रियलाइजेशन हो जाता है, ये ज्ञान प्रकट हो जाता है भगवान की कृपा से कि हम भगवान के, उस गोविंद के, उस मुरारी के, कृष्ण चंद्र के सदैव सदैव से दास है। उस दासता को भूल गए तो हम इंद्रिय दास बने हुए हैं, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। भगवान के गुलाम नहीं बनोगे तो इंद्रिय किसी के तो गुलाम बनोगे। गुलाम बनना हमारी, हमारा नेचर है, स्वभाव है। किसी मिनिस्टर के गुलाम बनेंगे, चमचे बनेंगे, किसी बॉस की चमचागिरी करेंगे, उसको खुश करने की कोशिश करेंगे, या किसी सुंदरी के गुलाम बनेंगे, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, या कोई नशे का गुलाम होता है, कोई अपनी जबान के स्वाद का गुलाम होता है। कहीं ना कहीं आपको गुलामी में फंसा रहना पड़ेगा। गुलामी से स्वतंत्र होने का मतलब तो पूर्ण रूप से